अगर आप वीवो वाले फ़ोन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जो वीवो वाले फ़ोन चेंज कैसे और कहाँ से करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसमें परेशान होते हैं कि अगर इसमें फ़ोन चेंज कहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन आती है बहुत सारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे लास्ट में जाना है, देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन है, तो यहाँ पर इसको स्लाइड करके यहाँ पर सबसे लास्ट में जाना, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो आई थीम का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर आई थीम लिखा हुआ, और यहाँ पर जो फॉन्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो फॉन्ट है, तो यहाँ पर अभी ये सारे पेड पॉइंट हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेड पॉइंट है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर इसको सर्च नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से आपको ऊपर जो सेटिंग है यहाँ पर जाना है, और सेटिंग में यहाँ पर आपको जो आई थीम का ऑप्शन है इसको इनेबल कर लेना है। यहाँ पर अभी तो मैं इनेबल किया हुआ हूँ, इसलिए यह वहाँ पर शो हो रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको इनेबल भी कर लेना है, मतलब चालू कर लेना है। अगर मैंने अभी इसको बंद कर दिया तो हम फिर से वहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर अभी वो जो आई थीम का ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जो ऊपर कॉर्नर पर यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन रहता है, यहाँ से हमें जो आई थीम का ऑप्शन रहता है इसको चालू कर लेना है, तभी यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए आई थीम का ऑप्शन फिर से आ चुका है। और यहाँ पर ये सब जो पॉइंट है, अगर हमको पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ पर जो पॉइंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो लोकल लोकल का ऑप्शन है यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सारे पॉइंट रहेंगे, यहाँ पर जो पेड हैं, ये देखिए यहाँ पर जो पेड हैं, यहाँ पर करीब 120 रुपए के जो पॉइंट है, यहाँ पर से आपको इतना पैसा पे करना होगा। तो यहाँ पर जो लोकल का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर जो लोकल पॉइंट है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट हैं जो फ्री में मिल जाएंगे, यहाँ से आप कुछ फ्री पॉइंट को डाउनलोड जो है यहाँ पर उनको यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पॉइंट है, जैसे कि अभी मेरा जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी जो पॉइंट है वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो फाइल मैनेजर है, क्लॉक वगैरह है, क्लाउड है, तो यहाँ से वो सभी अभी इसका जो पॉइंट है इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको चेंज करके बता देता हूँ इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर जो पॉइंट है, और यहाँ पर लोकल पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पेड यूज नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो हम है लोकल का यूज करेंगे, और यहाँ पर फॉन्ट लोकल, और यहाँ पर हम इसको अभी चेंज कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं अभी ये सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अभी अप्लाई कर दूँगा यहाँ से, और जैसे ही अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर जो इस तरीके से आपको दिख रहा है फॉन्ट, वो अभी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसको हम यूज करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसका डेमो भी दिया गया है, इस तरीके से आप जो नंबर वगैरह हैं वो इस तरीके से आएंगे, और यहाँ पर जो अल्फाबेट है वो इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ नीचे जाकर, और इस तरीके से हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो वीवो मोबाइल है इसको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यह बहुत ही आसान प्रोसेस है जो कि वीवो मोबाइल में बताई गई है। तो यहाँ से आप आसानी से जो अपने मोबाइल फ़ोन है इससे फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पर ये देखिए जो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने फॉन्ट चेंज किया है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लोडिंग लिखा है, वो भी उसी फॉर्मेट में आ चुका है, उसी फॉन्ट में आ चुका है। देखिए वीडियो दिख रहा है, ऊपर जो वेदर दिख रहा है और आई मैनेजर दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसको आसानी से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपको जो आई थीम का ऑप्शन है उसको सर्च करना, और कुछ मोबाइलों में अगर यहाँ पर जो ऑप्शन है और यहाँ पर सेटिंग नहीं है तो वो इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं ऐसे, मतलब इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर अभी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये देखिए अभी इस तरीके से, तो यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन रहता है यहाँ से भी आप जो थीम है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने भी सर्च किया था, तो यहाँ पर जो थीम है वहीं पर हम ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्रीन पर, यहाँ पर मतलब जो बहुत सारी स्क्रीन होती हैं, यहाँ से आप किसी पर भी इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन है वो आ जाएगा। इस तरीके से करना है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर थीम का ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है, और इस तरीके से आप जो मैंने यहाँ पर प्रोसेस बताई है इस तरीके से आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं मिल रहा तो यहाँ पर जो थीम का ऑप्शन है इसको आप सर्च कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में कि ये कहाँ पर है। यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो फॉन्ट है इसी पर हम जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट साइज है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पेड वाले यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेड यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सर्च का ऑप्शन भी रहता है, ये देखिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री भी मिल जाएंगे, यहाँ पर जैसे कि अभी जो सबसे अच्छा जो फ्री चल रहा है यहाँ पर, मतलब पॉपुलर सर्चेस हैं, तो वो इसके हैं जो यहाँ पर आइए कि आइए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सारे फॉन्ट है वो यहाँ पर फ्री आ चुके हैं इस तरीके से।
तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट साइज यहाँ पर टाइप करके सर्च कर सकती हैं। और यहाँ पर जैसे मैं के टाइप कर दूंगा तो जो के से रिलेटेड जो सारे पॉइंट है वो यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए मतलब जो भी आप नाम जानते हो, जिस तरीके भी आप पॉइंट यूज करना चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है, और इस तरीके से हम जो फॉन्ट है उसको चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो जो या तो फिर थीम है इसको ढूंढ लेना है, या तो फिर इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना और आपके पास सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, और अदरवाइज यहाँ पर जो ऊपर सेटिंग का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, तो यहाँ से आप जो आई थीम का ऑप्शन है इसको इनेबल कर लेना। अगर आपके मोबाइल फ़ोन अवेलेबल नहीं है, इनेबल नहीं है तो, या फिर यहाँ पर इनेबल है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो फॉन्ट है उसको आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।